हर फ्राइडे यहाँ पर खुदावंद के मसा को
महसूस करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं। यहाँ हम खानदानी तौर पर जमा होते हैं दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने आज के जमाना में हमें ऐसे सूरमा दिए हैं, हमें ऐसे खुदावन के खादम दिए हैं जो रूह और सच्चाई से भर कर हमें रूह और सच्चाई सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन ने पास्टर एंडरसन को ये विजन दी है कि वो हमें यानी अपनी कलीसिया को तैयार करें, एक एक इंसान को, ताकि जो खुदावन ने हमारे जिम्मे काम लगाया है कि हम दुनिया के कोने कोने में जाके खुदावन का कलाम फैलाएं, ये उनका विजन है कि वो अपनी कलीसिया में सबको खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन के जलाल के लिए तैयार करें, ताकि हम जब बाहर निकले इस चार दीवारी से तो हम फिर भी खुदावन के नाम को जलाल दें, अपने उठने बैठने से, चलने फिरने से, बोलने चालने से। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अपने घर से। तो जब हम अपने घर से ये सारी चीजें सीखते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हमें आगे लेके जाता है। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे लास्ट 2-3 मंथ से, जब से मिनिस्ट्री शुरू हुई है लास्ट 6 मंथ से, हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमारे कलीसिया में बच्चों ने, बड़ों ने और जवानों ने, हम सब ने खुदावन के हुजूर कलाम को सीखा, कलाम को जाना और कलाम को यहाँ सुनाया। हालेलुया। और इन सारी चीजों के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं, और हम आपको इनकरेज करना चाहेंगे, बुलाना चाहेंगे कि आप भी हमारे चर्च में आए और खुदावन के नाम को जलाल दें। हालेलुया। और हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि सारा जलाल सिर्फ खुदावन यीशु मसीह को है। हम सारी गवाहियों के लिए, बड़ी छोटी गवाहियों के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त जिसकी जिंदगी में खुदावन ने काम किया है वो अपने टेस्टिमनी के लिए यहाँ पे आए, ताकि हम वक्त पर ज़्यादा किए बिना उन्हें बुलाएं। You have to translate for Praise the Lord, Church. Praise the Lord, Church. As you know, my name is Jeremiah, and I'm the son of Pastor Anderson. जैसे कि आपको पता है कि ये जेरेमिया है और ये पास्टर एंडरसन के बेटे हैं। And day before yesterday on Wednesday when I was eating a banana. परसों रात को जब मैं रात को बनाना खा रहा था, suddenly the side of my jaw was paining. अचानक से मेरे जो चपड़े थे उसका राइट हैंड साइड पे दर्द शुरू हो गई। And I was feeling that something is gonna come out. ऐसा लग रहा था कि कुछ बाहर आने वाला है। And I was so worried. और मैं अचानक से फिक्रमंद हो गया, टेंशन में आ गया। Then I went to my dad and I said to my dad that my side, my jaw is paining. और तब मैं अपने पापा के पास गया और कहा कि मेरे चपड़े में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। And then my dad said, no problem. और फिर पास्टर एंडरसन ने इसको जवाब दिया कि कोई मसला नहीं है, हम दुआ करेंगे और खुदावंद तुझे शिफा देंगे। And I was sitting and I saw my dad's prayer clothes. और जब मैं बैठा और मैंने अपने डैड के दुआ वाले कपड़ों को देखा। And the Holy Spirit told me, take it and wear the pain, where the pain is, you put the prayer clothes over there. और जब मैंने देखा कि पात्रों मुझे बोल रहा था कि वो जो कपड़े पड़े उसको उठा और जहाँ पे दर्द है वहाँ लगा। And within a second I was become fine. और उसी मिनट में मैं बिल्कुल ठीक हो गया, उसी सेकंड में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन का कि खुदावन ने मुझे शिफा दी। हालेलुया। अगर और किसी ने गवाही देनी है तो ये आपका वक्त है, आप अपनी गवाही खुद दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी गवाही देना चाहता हो तो वो जल्दी से यहाँ पे आए और अपनी गवाही को शेयर करें, ताकि हम खुदा के नाम को जला दें। अगर नहीं देनी तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अब हमारा वक्त हो चुका है कि हम अपने अजीज मेहमानों को वेलकम करें, उन्हें यहाँ पे बुलाएं और अपनी मोहब्बत का और अपने प्यार का इजहार करें। नहीं है कोई बात, मेरा नहीं। उसके ऊपर रख लो वैसे ही। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अपने अजीज पास्टर को, पास्टर तहसीन गुलखान को, जोरदार तालियों से हम बुलाएं।
چلا دینے والے بن. آمین. اور ان کے لیے میں بلاؤں گا اپنے پیارے بھائی بردر پرمود کو کہ وہ آئیں اور ویلکم کریں, اپنے پیار کا اظہار کریں, بکا لے کے آئیں اور انہیں پیش کریں تاکہ ہم خدا کے نام کو چلا دیں. زور بار تالیاں بجائیں. ساتھ ہی میں ان کی پیاری مسز سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہاں پہ آ جائیں تاکہ ہم ان کو بھی ویلکم کریں. آپ یہاں پہ آ جائیں بدر جی, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. اور میں اپنی مسز جلالا سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور پیاری بہن کو دیکھے دیکھ Yeah.
پھر 48ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا کر منادی کرتا اور بدروہوں کو نکال دیتا. پھر ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 3 میں جائیں اسی انجیل میں, اس کی ورس 10 میں لکھیں, کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا. یہ شفا کی بات ہے, چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لے. کیا تھا کہ جتنے لوگ اس میں گرفتار تھے, بیماریوں میں گرفتار تھے, اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لے, اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتی تھیں اور پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے, اور وہ ان کی بڑی تاکید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ مجھے ظاہر نہ. پھر آگے جا کر دیکھتے ہیں چیپٹر 6 میں میرے ساتھ چلیں, اور اس کے بعد بھی آئے مرکز 6 باب, اس کے بعد بھی لکھے کہ انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو, اور بہت ساری بدروؤں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا. بدروؤں کو نکالا اور بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا, جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا ایسا, جس میں کیا ہے گونگی روح ہے, گونگی روح ہے. پھر ہم آگے جاتے ہیں اور چیپٹر 16 میں دیکھتے ہیں اور اس کی ستار بھی آئے دیکھتے ہیں, دیکھیں کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا, اور وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے. متی کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں, متی کی انجیل میں چلیے, اور اس کے 8ویں چیپٹر میں دیکھیں گے, اس کی 16ویں ہے, لکھا ہے کہ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سارے لوگوں کو لائے جن میں بدرو نہیں تھی, اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دی اور سب بیماروں کو اچھا, سب بیماروں کو اچھا. پھر ہم آگے جاتے ہیں متی کی انجیل میں 10ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ پھر اس نے 12 شاگردوں کو بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں. ہللویہ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے مہینے والے ہوئے ہیں, ابھی تو میں آپ کو اور زیادہ دے سکتا, لیکن جو ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا ایک اور والا بھی دیکھیں, پیچھے ہی والا, اس سے پیچھے 9ویں چیپٹر کی 32ویں آیت, 10ویں کی دیکھیں, جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھ لوگ ایک گونگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے, اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گونگا بول گیا. آگے اب ہم یہ جو حوالے پڑھ رہے تھے اس میں جو ہمیں چیز دیکھنے کو ملی, جو سمجھ آئی, وہ یہ تھی کہ بیماریاں اور بدرو اکٹھے کام کر رہے, لوگ بیماروں کو لے کر آ رہے, تو بیماروں میں سے کیا نکل رہی ہیں بدروئیں نکل رہی, یا لوگ بدرو والوں کو لے کر آ رہے ہیں, اور جب بدرو جاتی ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے شفا مل جاتی ہے سر, اور بدروؤں کی جو مینیفیسٹیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گونگی بدرو ہے جو گونگا پن کریٹ کر رہی ہے, حالانکہ وہ بدرو ہے لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ وہ گونگا پن کریٹ کر رہی ہے. اب دیکھا جائے تو یہ میوٹنس جو ہے یہ ایک فزیکل ایلمنٹ, ایک بیماری. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرغی والی بدرو تھی ایک لڑکے میں, ایسے ہی تھا نا, ایک بچے میں مرغی کی بدرو تھی. اب دیکھا جائے تو مرغی جو ہے بیماری ہے, ایپیلیپسی جس کو کہتے ہیں وہ ایک بیماری ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا تھی کڑی کی بدرو. لوگ کینسر کو جب دیکھتے ہیں, آرتھرائٹس کو دیکھتے ہیں, طرح طرح کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں, بائبل میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیماریاں تو لوگوں میں ہیں, گونگی اور بہری بدرو کا بھی جو ڈیفنس ہے وہ بیماری ہے, اس کے بعد کبڑی بدرو کا بھی ذکر ہے جو کبڑا پانے ایک عورت میں تھا, ایک شخص اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا فالج اس میں تھا, ایک فالج والا ویسے ہی وہ پڑا ہوا. تو یہ سب کیا سسٹم ہے,
ایسا کیوں ہے؟ میرے عزیزو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا روح اور خدا کی بادشاہی ایک سسٹم ہے، اسی طرح ابلیس اور اس کی بھی ایک بادشاہی ہے۔ خدا کی بادشاہی میں جو کام کرتا ہے وہ خدا یسوع مسیح پہلا مددگار اور پاک روح دوسرا مددگار کا، اور جب روح آتا ہے تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ کسی کو اس روح کے وسیلہ سے نبوت کرنا، کسی کو اس روح کے وسیلہ سے شفا کی دینا، کسی کو اس روح کے وسیلہ سے معجزات کی دینا، روح کے وسیلہ سے روح کا پھل، روح کی نعمت، روح کی خدمت، روح کی برکت ہمیں مل گئی۔ تو ابلیس جو ہے اس کی بھی ایک بادشاہی ہے، ابلیس کی بادشاہی میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ اگر خدا کا روح شفا لے کر آ رہا ہے تو بدرو کیا لے کر آ رہی ہے؟ بیماری لے کر آ رہی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں بڑا غور سے سوچنا ہوگا۔ جب میں نے روحانی جان کے اوپر سٹڈی کرنا شروع کیا اور خدا کی روح نے مجھے اس بارے میں گائیڈ کیا کہ میں اس بارے میں پڑھوں، تو میں نے کچھ اصول جو تھے وہ سیکھے، جن کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو روحانی جان کو سمجھنے میں اور ٹیکل کرنے میں بڑی آسانی دے گا۔ یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیز لاز، اصول۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ایوری فزیکل ایکشن ہیز اے اسپرچل امپلیکیشن، ٹھیک ہے نا؟ ہر جسمانی عمل جو ہے وہ ایک روحانی اثر ضرور رکھتا ہے۔ لکھ لیں اس کو، ہر جسمانی عمل ایک روحانی اثر ضرور رکھے گا۔ جھوٹ بولنا ہے جسمانی عمل ہے، ہم جھوٹ تو بولتے ہیں لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ ایک لعنت ہمارے اوپر، گناہ ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ اور بائبل میں لائنگ اسپرٹ کا ذکر ہے، جھوٹ بولنے والی تاثیر کا ذکر ہے، جو کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر کسی ریزن کے جھوٹ بولتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہوتی تو بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کسی بھائی کو جانتا ہوں، اس کو کوئی بھی بات پوچھی جائے ضرورت بھی نہیں جھوٹ بولنے کی، وہ تو ہمیں جھوٹ ہی دسے گا پہلے، کیوں؟ کیونکہ there is a lying spirit۔ وہ ایکشن جو ہے، وہ فزیکل ایکشن جو ہے، اس کی اسپرچل امپلیکیشن۔ ہم لوگوں کو قرض کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو نہیں کامیاب ہونا، تو فیل ہی۔ ماں باپ بچوں کو بھی کہتے ہیں، دفاع ہو جاتا ہوں، ایسی باتیں کرتے ہیں، لال نظر تیری زندگی، جب غصے میں آ جاتے ہیں بہت ساری باتیں ایسے ہوتی ہیں، مجھے پتا ہے بزرگ ایسے بولتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک فزیکل ایکشن تو ہوا ہے لیکن ایک اسپرچل امپلیکیشن ہے۔ سیکنڈلی، اس کے الٹ ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ایوری اسپرچل تھنگ ول ہیو اے فزیکل مینیفیسٹیشن، ہر روحانی تاثیر جو ہے اس کا جسمانی آپ کو کچھ نہ کچھ نظر ضرور آئے گا، اثر ضرور ہوگا۔ جسمانی کام کا روحانی اثر ہے، روحانی تاثیر کا جسمانی آؤٹ کم ضرور آپ کو ملے گا۔ اور جب آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی ایکچولی مسئلہ کیا ہے۔ تیسرا اصول جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ٹریول جو جرنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ ہے کہ یعقوب کا خط، جسم اور روح کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یعقوب کا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی چودھویں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ یعقوب 1:14، جیمز 1:14 لکھا ہے کہ ہاں ہر شخص اپنی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حملہ ہو کر گناہ جنتی ہے، اور جب گناہ بڑھ چکتا ہے تو موت پیدا کرتی ہے۔ اب خواہش جو ہے یہ ٹریول ہے، یہ فرسٹ اینٹری ہے، اور خواہش کس چیز میں آتی ہے؟ آپ کو جب بھوک لگتی ہے، آپ چلے میں تھوڑا سا اور اس کو ایزی کر دوں، ہر انسان کن تین چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ روح، بدن اور جان۔ تو جب آپ کو خواہش آتی ہے تو وہ کس چیز میں ہو رہی ہوتی ہے، کس لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے؟ بھوک لگتی ہے، آپ کی روح کو بھوک لگی ہوئی، یا آپ کی جان کو، کس کو لگی ہوئی؟ آپ کے بدن کو لگی ہوئی۔ اب خواہش ہے، وہ خواہش جو ہے وہ جب خواہش میں کھینچتے ہیں آزمائش آتی ہے۔ اب آزمائش جب آئی ہے آپ فزیکل لیول پہ کچھ کر رہے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ جھوٹ بولا ہے، پہلی دفعہ چکٹ پی تھی، پہلی دفعہ کوٹ لا لیا، پہلی دفعہ جو ہے وہ کچھ کیا ہے، پہلی دفعہ گالی دے دی ہے، پہلی دفعہ غصہ کیا ہے تو ادھر آپ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کیا ہوگا کہ پہلی دفعہ جب آپ کرتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پہلی دفعہ چوری کی، گھر سے کچھ
जब बाहर बड़ा मजा है, एडवेंचर है, एड्रेनलिन मिल रहा है बच्चे आजकल, एक बच्चे तो गाड़ी में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम में उसमें गया तो बढ़िया चोरी करके एक पैसे मारे, वो उसमें भी कर रहे थे। तो पहली दफा जब इंसान कुछ ऐसा करता है तो उसको वो चीज अच्छी लगती है, जैसे हवा ने उस फल को देखा तो लेकिन उसकी आंखों को वो अच्छा लगा। लेकिन क्या है कि वो ख्वाहिश जो है जब बढ़ती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जो शख्स एक सिगरेट दिन में पीता है उसको पहली दफा बड़ा मजा आता है, सिर घूमता है, सुबह उठ के पहले सिगरेट में बड़ा हुआ देर घूमे, फिर कहता है नहीं एक से मजा नहीं आ रहा, एक से मैं दो में जाऊंगा। फिर एक टाइम आता है दो से भी आपको तसल्ली नहीं मिलती क्योंकि आपकी बॉडी ऐसी डिजाइन हुई हुई है कि आप उस चीज में पढ़ना शुरू हो जाते, गिरना शुरू हो जाते हैं, वो खड्डा जो है वो गहरा होना शुरू हो जाता है। फिर आप एक टाइम आते हैं कि पूरी डब्बी पी जाते हैं दिन में, फिर एक टाइम आता है चेन स्मोकर बन जाते हैं। तो बाय द टाइम यू रियलाइज कि अब आप उस चीज के गुलाम हैं और आप उसमें से नहीं निकल सकते, दैट मींस समथिंग एल्स हैज टेकन ओवर, ठीक है ना। पहले आप जब कभी शराब नहीं पी थी तो एक ड्रिंक से आपको बहुत मजा आया, आपका सर घुमा, पार्टी जो थी वो बेस्ट हो गई, आप कह रहे यार ए पार्टी का बड़ा मजा है। लेकिन एक टाइम आया कि फिर वो दो पे चला गया, तीन पे चला गया, चार पे चला गया, फिर चार दिन फिर फिर एक टाइम आता पता कहते वो अस्सी जो है बोतल को भी पी लेता है, पता नहीं चलता बैठे ना किसी ने देख लिया नहीं पता चलता। लेकिन एक टाइम आता है फिर जीव बिकम अल्कोहलिक, ये नशेबाजी में चले जाते, ठीक है ना। एंड देन you will be under some sort of bondage. वीडियो आ गई, फोन देख रहे थे, ब्राउज कर रहे थे, किसी ने गंदी वीडियो डाल दी, वो आपका कसूर भी नहीं कि वो वीडियो सामने आ गई। दाऊद बादशाह जब छत पे चढ़ा था तो वो ये कह के नहीं चढ़ा था कि आज मैं किसी औरत को देखूंगा नहाते हुए और मैंने ये काम करना है, ऐसे नहीं था। He just went up there. रीजन क्या था, बाइबल में लिखे कि लोग सारे जंग पे गए हुए थे, दाऊ जंगजू था, बादशाह था, लेकिन वो अपने मकसद को भूला हुआ था, वो अपनी रूटीन से हटा हुआ था और रूटीन से हटके वो आज एक ऐसा काम कर रहा है कि वो वहां पे खड़ा है और उसकी आंखों को लीज ने पकड़ लिया, उसने नीचे देखा तो वो औरत थी वो जो कुछ भी कर रही थी। एंड देन ही वेंट इनटू दैट सिन। ख्वाहिश जो है वो खींच कर, ख्वाहिश जो है वो इंसाती है, आजमाया जाए। लेकिन जब ख्वाहिश के लेवल पे बात होती है तो वो फिजिकल लेवल पे बात होती है, जब वो ख्वाहिश से बढ़कर गुनाह में चली जाती है और गुनाह से बढ़कर आदत में चली जाती है तब वो स्पिरिचुअल लेवल पे चली जाती है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड ख्वाहिश गुनाह पैदा करती है और एंड पे क्या लिखा है, गुनाह जो है वो क्या बढ़ता है, मौत पैदा करता है। लेकिन गुनाह और मौत के बीच में एक जो मिसिंग बिट है वो है ख्वाहिश गुनाह पैदा करती है, गुनाह बदरू को बुलाता है, जब वो आदत बनती है बदरू बीमारी को लेकर आती है और बीमारी मौत को लेकर आती है। तो अब क्या है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह, क्योंकि हमने क्या कि हमारा एड्रेनलिन क्या हो रहा है, मौत हो रही है। इसका हल क्या है, जब आप खुदावंद की बादशाह में आते हैं सबसे पहले आप किस चीज को डील करते हैं, जो कौन निजात पाएगा, जो क्या करे, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, बोले बोलना है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाए। तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप किसको डील कर रहे हैं, जब पानी में जाते हैं तो आप किसका निशान बना रहे हैं, किस चीज का निशान है, जब आप पानी में जाते हैं आप जब पानी के अंदर होते हैं आप किस चीज का निशान बनाते हैं, किसके मुशाबा होते हैं, मौत के, हालेलुया, मसीह की मौत के साथ हम शामिल हो जाते हैं, हालेलुया। तो मौत के साथ शामिल होते हैं और जब बाहर आते हैं तो नए सिरे से पैदा होते हैं। तो खुदा क्या करता है, सबसे पहले आपकी जिंदगी में से किस चीज को रिमूव करता है, मौत, हालेलुया, क्योंकि जितने उसमें उन पर सरकार का हुक्म नहीं है, मौत का राज नहीं है। बदरू कितने लेके जाए, बदरू ख्वाहिश से आपको गुनाह में, आदत में, आजमाइश ख्वाहिश गुनाह आदत बदरू बीमारी मौत। खुदावंद क्या कर रहे हैं, मौत को पहले निकाल देते, हालेलुया। जैसे ही आपकी जिंदगी से मौत जाती है, देखें ईमान लाने वालों के दरमियान में ये मौजजात होंगे कि वो बदरुओं को निकालेंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। जब ईमान में आएंगे तो फिर बीमारी और बदरू भी आपके कब्जे में आएंगे, इख्तियार आ गया ना खुदावंद की तरफ से। और जब आप शिफा और डिलीवरेंस को रिसीव करेंगे फिर आपके अंदर से गुनाह का सिस्टम खत्म होगा,
बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जैसे ये मैं सहने कर ये सब वो कहते जी तौबा कर ली और अब रास्तबाजी को कायम रखने के लिए हमें शरीयत के अमाल पर अमल करना नहीं ये नहीं हो सकता अगर आपकी जिंदगी में ऐसे एक्सपेक्टेशन थी खुदा से कि आप अपनी रास्तबाजी को कायम रख सकते हैं तो फिर खुदा आपको कभी अपना बेटा और ईमान के वसीले से निजात ही ना देगा क्योंकि अगर आप रास्तबाजी को कायम रख सकते हैं तो फिर रास्तबाजी को अचीव भी कर सकते हैं तो बिकॉज वी कुड नॉट अचीव रास्तबाजी विद आवर एक्शंस दैट इज व्हाई ही सेंट हिज सन हालेलुया जिसने ईमान के वसीले से हमें निजात दी है खुदा का शुक्र है लेकिन फिर क्या होगा कि आपने मौत से तो डील कर लिया आपने बीमारियां बदलू से भी डील कर अब बात आती है पीछे एक ख्वाहिश तो रह है ख्वाहिश तो उसको भी डील करना है उसको भी डील करना है एक वाला मेरे साथ देखिए रोमियो के खत में जाए रोमियो के खत में जाए और उसके आठवें बाब में देखें उसकी ग्यारहवीं है अगर उसी का रूह तुम में बसा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया पाक रूह जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया यानी पाक रूह ने वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपनी रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है हालेलुया इसका इलाज क्या है इसका इलाज यह है कि जब हम तौबा करते हैं बपतिस्मा लेते हैं हम मौत से डील कर रहे हैं मौत को हमने डिफीट कर दिया है लेकिन इनाम क्या मिला उसने क्या कहा था कि अगर तू तौबा करे और बपतिस्मा ले तो क्या इनाम में पाओगे खुदावंद का रूह कुदस इनाम और जब रूह आएगा तो तुम कुवत पाओगे हालेलुया हालेलुया सो जब ये चीज होती है अब तीन लेवल हमने मैंने शुरू में पूछा था कि आप किन लेवल्स पे मिलकर बने हुए कौन सी चीजों से मिलकर बने हुए रूह बदन और जान रूह के बारे में यीशु ने क्या कहा था कि रूह तो क्या है मुस्तैद है ना ये कहा था ना रूह जो है वो आपकी जो रूह है वो एक्टिव है स्ट्रांग है इसलिए कि वो खुदा की तरफ से आई है आपकी बॉडी में एक हेवनली एलिमेंट है वो है रूह जो हेवन को रिप्रेजेंट करती है और एक फिजिकल एलिमेंट है जो कि आपकी बॉडी है ऐसे ही है ना क्योंकि जब मर जाएंगे तो आपकी बॉडी को आसमान पे तो नहीं भेजेंगे ना भेजेंगे कहां पे दफन करेंगे खुदा ने क्या कहा था कि जो खुदा का है वो खुदा को दे दो और जो कैसर का है वो कैसर मींस के रूह जो है खुदा को बिलोंग करती है सो लेट हेवनली एलिमेंट इन आवर लाइफ लीड अस हालेलुया क्योंकि हेवन को होस्ट अगर कोई कर सकता है तो आपकी रूह कर सकती है क्योंकि खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है बाइबल में ये लिखा है रोमियो के आठवें बाब में और उसकी पंद्रहवीं सोलहवीं आयत में लिखा है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है सो आप अगर पाक रूह को रिसीव करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक होस्ट क्रिएट करना पड़ेगा वो होस्ट कब क्रिएट होगा जब आप तौबा करके बपतिस्मा लेंगे वापस आएंगे तो आपकी रूह नए सिरे से पैदा हो जाएगी हालेलुया निजात आप रूह में हासिल कर लेंगे बदन अभी भी पास ही है क्योंकि आप ये देखें ना कि बॉडी में पेन्स तो है ख्वाहिशें भी हैं बहुत सारे लोग कहते जी असी तो क्रिश्चियन होने हैं असी तो बन गए ना हमें बदरू नहीं कोई कह सकते ये फॉल्स टीचिंग है बदरू सबसे ज्यादा कामिल बॉर्न अगेन के खिलाफ करते हैं यू डोंट इवन नो दैट अगर ऐसी बात है बॉर्न अगेन हो गए हैं तो गाली देते हैं कि नहीं देते मुंह आ जाती है गुस्सा जब आता है ना कहना है मैं बॉर्न अगेन ना चर्च में ठीक रहता हूँ घर जाता हूँ तो मुझे ऐसा गुस्सा आता है मुझे समझ नहीं आता समथिंग टू कवर मी मेरे ऊपर कोई चीज हावी हो गुस्से में अन्ना ही हो जाता ऐसे लोग पर वो लोग उसके खानदान वाले कहें गुस्से में न हुआ तो ऊपर कोई जाए सुनते पे कोई ना उठाए ये तो गाना कटा था ये तो वर्शिप लीडर है ये तो कलाम भी शेयर करता है सेल ग्रुप लेकिन सोए से उसको कोई नहीं खाता लेकिन गुस्सा उसका बहुत बड़ा कुछ लोग कहते हैं अच्छा देयर सो मेनी थिंग बात यह है कि जिस्म जो है वो हमारा कमजोर है सो रूल कुदस का बपतिस्मा ये बड़ा जरूरी है तो पहले मैंने कहा कि तौबा करके पानी का बपतिस्मा बड़ा जरूरी है ठीक है ना ताकि आप मौत से डील करें क्योंकि उस चेन को ब्रेक करना है ना मौत को हमने ब्रेक करना है सबसे पहले तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन सबसे बड़ा जो हमारे खिलाफ जो डेंजर है उसको रिमूव करना है वो है मौत ठीक है ना
क्योंकि इब्लीस आपको उस तरफ लेके जा रहा है, हम वापस लेके आ रहे हैं। जब मुसरफ बेटा सूरों के साथ था तो वो मौत का शिकार, लेकिन he had to then make that journey back home. हालेलुया। तो बैक होम जो जर्नी है वो ये है कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में लाते हैं। हालेलुया। ये बताना चाहता है। सो मौत से डील किया, पाप रूह को रिसीव किया, रूह आया है वो आपकी रूह में जो है वो आपकी रूह में डिवेल करना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड इन डिवेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा आपके अंदर रिजाइड कर रहा है, खुदा आपके अंदर रह रहा है, तो वो रूह कुदस के थ्रू रह रहे हैं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। ये कहती है ना बाइबल। अब बसा क्या है कि रूह तो बसा हुआ है लेकिन ख्वाहिश फिर भी है। इसको कैसे डील करें? क्योंकि दो चीजें रूह के अलावा हमारी जिंदगी में और कौन कौन सी चीज, रूह तो डील होगी और क्या क्या जिसको हमने डील करना है, रूह के अलावा तो कौन सी चीजें जिनसे हम मिलकर बदन और जान। अब जान क्या है? जान जो है ये आपके माइंड विल एंड इमोशन है। जान जो है वो आपके इमोशंस है, आपका माइंड, आपकी मर्जी है, आपका थॉट प्रोसेस है। भाई दाऊद ने एक तो बड़ी चीज साफ दी, उसने कहा जब इंसान पैदा होता है तो समझे उसके अंदर दो जानवर है, वापस में जंग कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और जीतेगा वही, जीतेगा एक जिसको आप फीड कर रहे हैं, एक जो है रूहानी और एक जिस्मानी है। जान जो है वो आपके माइंड विल और इमोशन है। इट डजंट मैटर हाउ क्रिश्चियन यू आर, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपका माइंड कहां पर है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी विल कहां पर है। हमारे बाप में क्या पढ़ते हैं, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। बचपन में जब हम छोटे थे तो एक एक्सप्रेशन होता था, बच्चे से कोई चीज मांगने को ऐसे करता है, इसका क्या मतलब है? मेरी मर्जी है ना, आई डोंट वांट, मेरी मर्जी। यीशु ने कहा था आज मैं तेरे अंदर जिंदगी में एक काम करने जा रहा हूं, मेरी मर्जी। तो आप बहुत करते हैं लेकिन मर्जी जो है वो हमारी सबमिट नहीं है, हमारा माइंड सबमिटेड नहीं है, हमारी जान सबमिटेड नहीं है। सबसे बड़ा हुक्म क्या है? खुदा से जब उन्होंने पूछा था तो उन्होंने क्या कहा, सबसे बड़ा हुक्म क्या है? खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल से, क्यों? क्योंकि ख्याल दिल में है, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, ताकत किस में होती है? बदन में, और अपनी सारी अकल में, जहां से डिसीजन, ये आपके बदन और जान को डील किया जा रहा है। खुदा ये कह रहे हालेलुया, पापरू ये हमारी जिंदगी में करवाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमारी जिंदगी की वो सबमिट नहीं होती। मेरे साथ एक देखें इम्साल की किताब का प्रोवर्ब्स में कवाला देखे हैं, उसके 25वें चैप्टर में जाएंगे, उसके 28वें आयत में देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28 क्या लिखा है? जो अपने नफ्स पर साबित नहीं, he who has no control over his self, soul, body, वो बेफसील और मिस्मार शुदा शहर की मानिंद है। City with broken walls and city that has no walls. टूटी दीवार का क्या मतलब? तुम्हारे घर दबुआ जो टूटा है, आपके घर की दीवार अगर ना हो तो क्या होगा? बारिश आएगी पानी अंदर आ जाए, सैलाब आएगा पानी अंदर आ जाए, कुत्ते होंगे चोर अंदर आ जाए, ऐसे है ना? ऐसी दीवारें ना हो, आपका नंगापन लोगों को नजर आए, दादी सुनते हो कहीं पता कहीं लेटे हैं लोग, बार बार लग रही थी, अच्छा भाई तुम एंटे तुम एंटे सुनते मैं तो पता है बुढ़े हो गए तो सीधे हो, आपकी हर चीज अनकवर्ड हो जाए, आप टोटली अनकवर्ड हो जाए। सो ऐसा शख्स जो बे जो अपने नफ्स पर जाबित नहीं है, जो कंट्रोल ही नहीं है, वो बेफसील शहर। So, शुरू में मैंने क्या बताया था कि हर फिजिकल का आउटकम क्या है? स्पिरिचुअल है, और हर स्पिरिचुअल का मैनिफेस्टेशन फिजिकल है। इसी तरह जो मैंने बताया, अब बदन को कैसे डील करना है? मेरे साथ देखिए गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं है। ग्लेशियर वी हैव टू डील विद दैट। रूह को तो हमने डील कर लिया, रूह को निजात कैसे दिला दी? तौबा करके बपतिस्मा ले लिया और पाक रूह को रिसीव कर लिया, हालेलुया। लेकिन बदन को कैसे डील करना है? लिखा है कि जो मसीह यीशु के हैं, ये गैर कौमों की बात नहीं हो रही, मसीह यीशु का कौन है?
जिसने तौबा करके बपतिस्मा लिया, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत स्लीप पर खींच दिया है। क्या है? जो मसीह यीशु में है उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत स्लीप पर खींच दिया है। बदन को डील करने के लिए आपको स्लीप की रगबत होना। जब आप स्लीप पर हैं, आप लटके हुए स्लीप पर, इमेजिन करें अपने आप को देखना शुरू करें स्लीप पर, सबसे पहले क्या होगा कि आपके पांव जमीन के साथ टच नहीं हो रहे। हालेलुया, बिकॉज़ गॉड विल लिफ्ट यू अप फ्रॉम अर्थ एंड देन यू नो लॉन्गर बिलोंग टू द अर्थ। आप जमीन के नहीं हैं, आपके हाथ खुले हुए हैं, आप फुल सबमिशन में हैं। और बाइबल कहती है कि जब हम खुदावंत की हुजूरी में आते हैं तो हम जमीन के नहीं आसमान के हो जाते हैं, हम आसमानी मखलूक बन जाते हैं। हालेलुया। और फिर लिखा है कि जब आप जमीन पर हैं आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। When you are stuck on the cross, when you are hung on the cross, अगर आप सलीब पर चढ़ गए हैं तो आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, पिछली जिंदगी खत्म हो जाती है। Repentance यही है कि अपने गुनाह से फिर जाना, मुड़ जाना, अपनी जिंदगी में से वो चीजें खत्म करना। हमें दो चीजें करनी है। There are two things you have to do and there are two things you cannot do. पहली ये है कि अपनी बॉडी को आप मार नहीं सकते। You cannot expel your body, ठीक है ना? You must understand. अपने ओल्ड मैन को, अपने बदन को आप जो है वो अपने अंदर से निकाल नहीं सकते और बद्रू को आप मार नहीं सकते। ये दो चीजें, ठीक है, समझ आई? दोबारा मैं बताऊंगा बद्रू को कैसे डील करना है। बद्रू को अपने अंदर से निकालना, हालेलुया। बद्रू को अपने घर से निकालना, अपनी जिंदगी से निकालना, अपने बच्चों में से निकालना, अपने अपने लाइफ स्टाइल में से निकालना। और बदन को आप नहीं निकाल सकते, अगर बदन निकल जाए तो फिर आप मारे जाएंगे। तो बदन को स्लीप पर रखना। You have to kill the old, you have to kill the old man. You have to kill your desires by hanging your body on the cross, and you have to remove the demon from your life. उसके रिवर्स नहीं करते। You cannot remove your body and kill the demon. ठीक है ना? You have to kill your body. You have to kill your desires by hanging on the cross, and then you have to remove the demon. अच्छा। पाप रूह कहाँ पर बसता है? हमारी रूह के अंदर। वहाँ से राज करे। बदरू क्या है? बदरू एक डीमन है जिसके पास एक चीज की कमी है, वो क्या है? बदन नहीं है। तो वो क्या करती है? They are in desire of host, parasite है ना? उनको एक ऐसी पांव जमाने की जगह चाहिए जैसे खुदा का रूह हमारी जिंदगी में पांव जमाता है। बदरू को भी एक जगह चाहिए और वो जगह खाली है। पांव अगर आप रखें, मुझे याद है कि बचपन में या लड़कपन में हम कॉलेज जाते थे, बस भरी भरी होती थी और बस पे लटक के जाना होता था, तो पांव रखने की जगह चाहिए होती थी, हाथ प्राण में एक जगह चाहिए होती थी। आपको अगर हाथ डालने की जगह मिल जाए और पांव रखने की जगह मिल जाए, बस के साथ लटक के चले जाते। बदरू भी ऐसे ही आपकी जिंदगी में। If you allow the demon to put the hand and put a foot in your life, she will hang on to you. वो आपके साथ लटक जाएगी। वो कैसे होगी? अगर हमारी जुबान जो है, और ये डिफरेंट लेवल्स पे है, आपको खुदा ने कितने हिस्से दिए हैं? 5 हिस्से। जुबान, आंख, कान, सूंघना और फील करना। तो ये बॉडी की मेन चीज है। हमारी जुबान अगर खुदा की सबमिशन में है, झूठ बोलना, गाली बकना, बुरा भला कहना, गॉसिप करना, भाई साहब के खिलाफ गल्लां करनी, भाई साहब मिसेज के खिलाफ गल्लां करनी, रिश्तेदारों के खिलाफ गल्लां करनी, हर वक्त आंख का गुनाह, गंद देखना, बुराई देखना, जेलसी करना, किसी को देखना तो दिल में क्रोध आ जाए, सुनना झूठ, सुनना लोगों की बातों को, सुनना मजे लेना, होर दसो होर दसो ने भी किया, होर दसो खोल खोल के दसो, मजा नहीं है। कोई नवी गल दसो बाबा जी, कोई नवी गल सुनाओ सानू भाई के बारे, मैं पक्की खबर ले आ देना, फिर देखना मैंने पैसा चुंच दे दो, उसको मैं नीचे गिरा दू। फील करना, anger, unforgiveness, ये सब चीजें बदन होस्ट है। तो बदरू जो है वो बदन की तलाश में है, हम अवेलेबल हैं और हम आगे से उसको होस्ट कर रहे हैं। बदरू का ये मतलब नहीं है कि बाजी साहब दुआ कर रहे हैं, इधर कोई चीखे मार मार के लेटना शुरू हो जाए, वो मैनिफेस्टेशन उसको कहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये सब चीजें पकी होगी हुई है and that you are not able to control over that, that means demon is in your life. You need to get rid of that. Hallelujah. लेकिन अगर वो बदन स्लीप पर खींचा हो, आपकी आपकी जुबान स्लीप के कब्जा में,
आपकी जिंदगी, और ये जो पांच हिस्से हैं, इसके अलावा सिक्स जो सेंस है वो आपकी सेक्सुअलिटी है, जो खुदा ने आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए हैं, और खुदा चाहता है कि लोग शादी करें और औलाद पैदा करें, वो ही हमारी सबसे बड़ी आजमाइश भी है। इंसान जो है, जो जवान है, वो इन आजमाइशों में पढ़कर गिरता है, और सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक ये भी आजमाइश है कि आप अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ, उस बदन की तरफ रागब होते हैं, ये बदनी ख्वाहिश है, एंड दिस इज कॉल्ड एपेटाइट्स। ये भूखे हैं हमारे अंदर, तरह तरह की भूख है, लेकिन क्या है कि हमें इस चीज को ओवरकम करना है। एक भूख बदन की और एक आप भूख अपनी जिंदगी में रोजा रखे रहते हैं, हालेले जब रोजा रखते हैं, क्या जब दुआ और रोजा नहीं रखा तो ये किस्म वहां से भाग गई, हालेले। तो हमें क्या करना है कि इन चीजों को अपनी जिंदगी में देखना होगा। सो फिजिकल लेवल पे ये, इमोशनल लेवल पे आपकी सोल जो है वो खुदावन को सबमिट करे, अपने माइंड, अपने विल, अपनी मर्जी, अपने इरादों को, अपनी सोचों को खुदावन को सबमिट करे, ये एंड देन इन चीजों को सबमिट करने के लिए देयर इज अ लीडर व्हिच गॉड हैज पुट इन योर लाइफ एंड दैट इज योर स्पिरिट। लेट द होली स्पिरिट वर्क विद योर स्पिरिट सो दैट यू आर एबल टू ओवरकम दिस, ठीक है। तो फिर आपकी बॉडी में बदरू नहीं होगी तो आपकी बॉडी में बीमारी नहीं होगी, हालेलुया। अनफॉरगिवनेस की वजह से आपको पता है आर्थराइटिस जो है वो लोगों को कैंसर हो जाता है, रंजिशों की वजह से। दिल अगर सख्त होता है तो आपके जोड़ सख्त हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे होता है, शुगर कैसे होती है, बिट्टा कांडा गुस्से से, बीमारी से प्रेशर ले लेते, डिप्रेशन ले लेते हो। जब आप सोचों में पड़े रहते हैं तो आपको एक टाइम आएगा बीमारियां आने की, ऐसे ही है ना। बहुत सारी बीमारियां जो है वो उनके पीछे डीमंस खड़ी हुई हैं, उनके पीछे अनगॉडली डिजायर्स खड़ी हुई। एड्स कैसे हो, मेरा रवि में होगा उसी को एड्स होगा, बीमारी है। तो मकसद ये कहने का कि बीमारी को डील करना है तो आपको बदरू को डील करना पड़ेगा, बदरू को डील करना है तो आपको अपनी बॉडी को खुदावन की जरिए में सबमिट करना होगा, अपनी बॉडी को सबमिट करना है तो आपको रूह कुदस का बपतिस्मा चाहिए जो आपकी रूह को लीड करे, तो आप जो है वो अपने रूह, बदन और जान तीनों पर पास्टर हो जाएंगे, हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह नासरी को आप फुली अपना जो है उसको अलाउ करेंगे, एंड दिस इज अनटिल यू रिसीव द ग्लोरीफाइड बॉडी, हालेलुया। अगर इस दुनिया में है, इस दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, बात यह है कि हम चूंकि फिजिकल लेवल पे रहते हैं, फिजिकल रैल में रहते हैं, 98% हमारी परसेप्शन ही फिजिकल रैल में है। We cannot get rid of our body, we cannot come out of our body. लेकिन खुदावन ने क्या कहा था कि मैं ये नहीं दुआ करता कि तुम्हें दुनिया से निकाल दे, बल्कि उस शरीर से उनके हिफाजत दे। दुनिया में तो रहते हो लेकिन दुनिया के नाम पर। अब ये सब कुछ जो है वो बहुत मुश्किल है, व्हाटएवर आई टोल्ड यू मैंने बड़ी आसानी से आपको बताया, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन एवरीबॉडी लाइफ। वी ऑल स्ट्रगल, खादिम भी स्ट्रगल करते हैं, हम सारे स्ट्रगल करते हैं, वी ऑल हैव आवर वीकनेसेस। अगर आप ये कहेंगे खुदा का खादिम जो बैठे हैं मैं, हम परफेक्ट हैं, वी आर नॉट, वी फॉल मेनी टाइम्स मोर देन यू मे बी, और आप भी हो सकते हैं फॉल कर रहे हैं, मुख्तलिफ एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल इज एवरीवेयर। लेकिन इसीलिए खुदा ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार, जहां पर खुदा का रूह है वहां पर बुरी रूह नहीं है, जहां पर रोशनी है वहां पर अंधेरा नहीं है। समझ आ गया? अगर बीमारी है तो बीमारी के लिए शिफा की दुआ भी करेंगे, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ है, और कोई आपको नहीं बताएगा, यू नो योरसेल्फ। ये कहना कि बस हर एक अपने आप को जान ले, आजमा लो। एक मिनट से पहले यही पाई साहब कहते हैं, बस आओ अपने आप को आजमा लो। नोबडी इज हियर टू जज यू, I'm not judging you. You should judge yourself before God judges you. Hallelujah. इससे पहले कि खुदा आपको जज करे, let's judge ourselves. और अपने आप को submit करे, and then let's go back fully delivered. और as much delivered, because there are certain habits जिनके ऊपर काबू पाने के लिए आपको रूह की मदद दरकार है। और मैं चाहता हूँ कि इसका हल क्या किया जाए भाई साहब, वो ये है कि हम तौबा करें आज अपनी जिंदगी खुदा के बारे में, उसको declare करें, and then ask for the Holy Spirit baptism. That's the first step. ठीक है ना? अगर आपकी जिंदगी में होली स्पिरिट बैप्टिज्म नहीं है, आस्क फॉर इट। अगर है, आस्क फॉर मोर, क्या उसको कहते हैं, अनॉइंटिंग, ठीक है? एंड देन आस्क फॉर डिसिप्लिन, क्योंकि देयर आर टू थिंग्स जो कि टुगेदर कम, चौथा सूत्र, डिलीवरेंस एंड डिसिप्लिन आर वर्किंग टुगेदर। देयर इज नो डिलीवरेंस विदाउट डिसिप्लिन। अगर आपने
रीहैपनिंग है, नशे छाड़ते वापस आए और आप फिर उधर चले गए तो फिर बात वही आ गई। सो डिलीवरेंस डिमांड्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मींस पुटिंग योरसेल्फ ऑन द क्रॉस, सलीब पर अपने आप को खींचना। हालेलुया। डिलीवरेंस खुदावन देगा, डिसिप्लिन आपने करना है, और फिर आपकी जिंदगी में आजादी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।